नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो जैसे जैसे मिशन 2023 नजदीक आ रहा है, वैसे ही दिग्गजों के एमपी आने का सिलसिला भी तेज हो चला है। तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एमपी अपनी दस्तक देने के लिए आ रहे हैं। जहां मोदी 11 अक्टूबर को आएंगे, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री 16 अक्टूबर को ग्वालियर में नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए आने वाले हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुदेश शर्मा। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। मिशन एमपी की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है, बीजेपी के दिग्गजों का एमपी आने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह दोनों ही दस्तक देने वाले हैं। किस तरह से आप इसे देखते हैं और क्या 2023 की सीटों को लेकर डर इन्हें सता रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी तरह से खरीद फरोख्त के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन कमलनाथ जी की सरकार को गिरा तो दिया है जी। लेकिन ये ऐसा कांटों का ताज पहना है कि ताज में कांटे ज्यादा है, सुकून कम है जी। सरकार को जनता की चिंता नहीं है और तो महाराज शिवराज नाराज तीन गुटों में भाजपा बट चुकी है जी। क्योंकि भाजपा का वह कार्यकर्ता जिसने पार्टी को यहाँ इस लेवल तक पहुँचाया, उसने दूसरों के घरों में रोटियां खाई है, उसने साइकिलों से चला है, वह दरी बिछा कर सोया है, उसने खड़ी की पार्टी को, वो ये कुर्सी की खातिर उस कार्यकर्ता को उन्हें दूर कर दिया है। आपको याद होगा 2018 में भी तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह जी भोपाल पधारे थे, उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस शो करते हुए नारा लगाया था, अब की बार 200 पार। असर क्या हुआ? कमलनाथ जी की सरकार मिली, जनादेश कांग्रेस को मिला और वह मुंह ताकते रह गए। जनता ने इस बार भी उन्हें मना लिया है और ये नगरीय निकाय चुनाव में दिख भी गया है। 16 नगर निगम चुनाव में हम कांग्रेस के पास एक भी नहीं थी जी। तो जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशियों पर भरोसा जताया, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में भरोसा जताया और हमको 5 नगर निगम मिले। ठीक इसी भांति अब आने वाला जो चुनाव है इसमें कांग्रेस को जनादेश मिलेगा और मुख्यमंत्री पद की शपथ माननीय कमलनाथ जी लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं, क्या कुछ उनका कहना है ये भी हम जान लेते हैं। सर, मिशन एमपी की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है, बीजेपी के दिग्गजों का एमपी आने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह दोनों ही एमपी आने वाले हैं। क्या 2023 से जोड़कर इसे देखा जा सकता है? किन्हीं सीटों को लेकर डर सता रहा है जो गृहमंत्री अमित शाह ग्वालियर आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी परिवार सबके लिए चुनाव कभी मिशन नहीं रहा जी। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव केंद्रित राजनीति नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी विकास केंद्रित राजनीति करती है जी। जिस प्रकार के परिवर्तन समय काल के अनुरूप अपेक्षित हैं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में हो या देश के संदर्भ में, दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो जी। तो वो कोशिश होती है। जहां तक प्रधानमंत्री जी के दौरे का विषय, तो निश्चित तौर पर 11 अक्टूबर को बाबा महाकाल की नगरी अवंतिका उज्जैनी में महाकाल लोक का भव्य परिसर का शुभारंभ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाबा महाकाल की सेवा में उपस्थित रहेंगे, मध्य सरकार के बाकी लोग रहेंगे और ये निश्चित तौर पर एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर जिस प्रकार देश जा रहा है, चाहे हम अंबाजी मंदिर परिसर गुजरात की बात करें जी, बाबा केदारनाथ की बात करें, बाबा सोमनाथ की बात करें, बाबा काशी विश्वनाथ की बात करें और अब हमारे मध्य प्रदेश का बाबा महाकाल जी। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामाजिक आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक पुनरुत्थान और सांस्कृतिक सशक्तता पर भी ध्यान दे रही है और उद्देश्य स्पष्ट है कि यदि हमारे संस्कार संस्कृति सशक्त होंगे तो हमारा समाज सशक्त होगा और समाज सशक्त है तो समाज के अंग के रूप में सरकार, लोकतंत्र, हम सब और पूरा भारत सब सशक्त और मजबूत होंगे। तो इसी भाव भावना के साथ काम करते हैं। जहां तक ग्वालियर के कार्यक्रम का सवाल है आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के, तो उसकी औपचारिक अभी कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन मेरा आशय बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी का आगमन हो या गृह मंत्री जी का प्रस्तावित आगमन जिसकी चर्चा है जी, तो ये सारे कार्यक्रम चुनाव के आधार पर नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी की नेता कार्यकर्ताओं का सदा प्रयास होता है
कि ऐसे कार्यक्रम पार्टी की तरफ से हों, सरकार की तरफ से हों, आप मुख्यमंत्री शिवराज जी को देखिए, जनता के बीच है, जब अवसर आएगा तो आपको हमेशा हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी या और नेता कार्यकर्ता आपको जनता जनार्दन के बीच नजर आते हैं। तो ये हमारी राजनीतिक कार्य पद्धति का शैली का हिस्सा है, इसको किसी चुनावी राजनीति से जुड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर एमपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो मिशन एमपी की तैयारियों में बीजेपी लगातार जुटी हुई है, दिग्गजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने पूरी तैयारियां जो है वो अंतिम दौर में बीजेपी की चल रही है, हालांकि कुछ तैयारियां अभी बाकी है जो की जा रही है, लेकिन दिग्गजों के आने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। हालांकि इन दिग्गजों के आने से क्या कुछ बदलाव मध्य प्रदेश में दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एमपी न्यूज़।